नमस्कार। कहते हैं सितम की इंतहा पर चल रही है, सितम की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है 1 अप्रैल को। इसकी तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनावी प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। आज आखिरी दिन था, इसीलिए जोर शोर से विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार चलाया गया। अगर बात करें नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम में महासंग्राम है। नंदीग्राम में दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। आपको बता दूं कि नंदीग्राम के विभिन्न इलाकों में आज जबरदस्त तरीके से रोड शोज किए गए और चुनाव प्रचार किए गए, क्योंकि आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन के बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं 2 मई का। बहरहाल 1 अप्रैल को चुनाव होना है दूसरे चरण का, और दूसरे चरण के दौरान ही नंदीग्राम में भी चुनाव होना है। कुल 171 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होना है और 4 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है, दूसरे चरण का चुनाव होना है 1 अप्रैल को। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। 6 राज्यों से हमारे पास खबर आ रही है कि 6 राज्यों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, यह चिंतनीय विषय है। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन लेने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं और अब 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहां रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक परिचय पत्र भी आपको ले जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप ले जा सकते हैं और उसे शो कर सकते हैं। उस शो करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आप 1 अप्रैल से किसी भी दिन जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे पास खबर आ रही है। लखनऊ के कृष्णा नगर में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई और इस मारपीट के बाद हिस्ट्री शीटर राकेश पांडे और एक राहगीर बुरी तरह घायल हुए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारी से विशेष जानकारी ली। कृष्णा नगर थाना अंतर्गत सराफा चौकी के क्षेत्र में 2 पक्षों में बच्चों के प्रकरण को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 3 अभियुक्त गणों द्वारा हथियारों का प्रयोग किया गया, जिससे राकेश पांडे, जो कि थाना कृष्णा नगर के हिस्ट्री सीटर हैं, उनको चेहरे पर पिलेट्स लगे हैं तथा उसी समय वहां से गुजरते हुए एक दुग्ध विक्रेता को पैर में गोली लगी। दोनों इंजर्ड व्यक्तियों को तुरंत KGMU के ट्रॉमा सेंटर में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं। थाना कृष्णा नगर के द्वारा 3 अभियुक्त गणों को उनके लाइसेंसी हथियारों के साथ आधे घंटे के अंदर में हिरासत में लिया जा चुका है तथा विक्टिम से तहरीर प्राप्ति के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। टेलीविजन पर चल रहे डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स COVID-19 पॉजिटिव हो गए हैं और इसके बाद हड़कंप मच गया है और प्रोड्यूसर की तरफ से ये खबर आ रही है कि पूरे सेट पर हड़कंप मचा हुआ है और अब शूटिंग प्लेस को बदलने की बात की जा रही है और इस शोज के जजेस माधुरी दीक्षित, राघव और धर्मेश जैसे लोगों को बचाने की बात भी की जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि रियलिटी शो डांस वांस के 18 क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर आ रही है हमारे पास पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से। बांकुड़ा में संयुक्त मोर्चे की उम्मीदवार राधा रानी बनर्जी के समर्थन में यहां एक रोड शो किया गया और इस रोड शो में खास तौर से हिस्सा लेने यहां पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी ने रोड शो में हिस्सा लिया और इस रोड शो में सैकड़ों की तादाद में संयुक्त मोर्चे से जुड़े समर्थक शामिल हुए। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि अधीर रंजन चौधरी इस रोड शो का हिस्सा बने और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में संयुक्त मोर्चे के समर्थक शामिल हुए इस रोड शो में।
রুচিবান সংস্কৃতিবান মানুষের বাংলা হয় আপনাদের কাছে সেই আন্দোলন করতে এসেছি। আপনাদের কাছে আগেও আমরা এসেছি, এর আগেও আজকের মতন বামপন্থী বন্ধুরা 2016 সালের নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা লড়েছিলাম। কংগ্রেস বাম বাম কংগ্রেস মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে 2016 সালের নির্বাচনে আমরা লড়েছিলাম বাঁকুড়াতে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিন আমাদের আবেদনে অনুরোধে আপনারা সাড়া দিয়েছিলেন, আপনারা সাড়া দিয়ে জোটের প্রার্থীকে জয়ী করেছিলেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে হাটে বাজারে যেমন গরু ছাগল বিক্রি হয় তেমনি করে একজন चुनाव का मौसम आते ही विवाद भी शुरू हो जाते हैं। बांकुड़ा जिले के मिजिया इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। मिजिया में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है भाजपा समर्थकों की तरफ से कि तृणमूल के समर्थकों ने भाजपा समर्थकों पर हमला कर दिया, जिससे भाजपा समर्थक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। কারা মেরেছে আপনার উপর? আমাকে মেরেছে বিজেপি। কি কখন হয়েছিল ঘটনা, কীভাবে হলো? আমরা আমাদের বিজেপি কর্মীরা আমাদের একজনকে মেরেছে তৃণমূল, সে আমরা থানায় আনতে গেছিলাম। থানায় আনতে যাওয়ার পর ওরা লাঠি বল্লব রড নিয়ে পুরো আমাদের ওপর আক্রমণ করলো। আক্রমণ করার পর আমাদের ছেলেগুলো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেল, আমি সামনে পড়ে গেলাম, আমাকে প্রচণ্ড মারধর করলো। কী দিয়ে মারধর করেছে? রড বল্লব লাঠি তারপরে কোনো জায়গায় কি সরে আঘাত লেগেছে? হ্যাঁ, এইখানে রড ঢুকিয়ে দিয়েছে, মাথাটায় আপনার টিস হয়েছে, প্লাস হাতে চার পাঁচটা টিস হয়েছে, আর গোটা এগুলো কালসিরা হয়ে বসে গেছে, মানে এত পিটি গেছে, কোনো কোনো আমি বাঁচার কোনো কথা ছিল না, মানে একজন সবজিওয়ালা আমাকে সে বাঁচালো। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত? হ্যাঁ, আমি তৃণমূল কংগ্রেস। আর যারা মেরেছে? বিজেপি। কী নাম আপনার? বনমালী। বলছি আপনাদের একজন কর্মীকে দেখা গেল যে মিজা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন, কী ঘটনা ঘটেছিল আজকে রাজনৈতিক হিংসার কারণে? দেখুন, আজকে আমি যখন তারাপুর থেকে থানার দিক করে আসছিলাম, সেই সময় তো বিজেপির কিছু দুষ্কৃতি গুন্ডার দল থানাগোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে আসতে প্রচণ্ডভাবে তারা আক্রমণ করে এবং আমার হাঁটুতে বা পায়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তারা জখম করে। আমি কোনোরকমই ওখান থেকে থানার দিক করে ছুটে আসি, কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যায়। তাছাড়া তারা একেবারেই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শুরু করে ঢিল পাটকেল লাঠি মানে যাবতীয় ওদের কাছে ছিল, ওরা আজকে বলছিল মেরে দে মেরে দে, শালাকে প্রাণে মেরে দে, আজকে শেষ কর দে, এটা তারা চিৎকার করে বলছিল। আমি কোনোরকমই থানায় ঢুকে পড়ি, তাই বলে আমি কোনো প্রাণে বেঁচে যাই। তাছাড়া তারা ওই বিজেপির গুন্ডারা আজকে আমাকে প্রাণে শেষ করে দিত। কিন্তু আপনি যে অভিযোগ করছেন সেই অভিযোগটা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে উঠছে, আপনিও নাকি মারধর করেছিলেন? না, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি কোথাও মারধর করি এবং কোনো ঘটনাই ঘটেনি সেই আমার উপস্থিতিতে, এটা আমি বলতে পারবো না, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মূলত কারণটা কী ধরনের ঝামেলা? মূলত কারণটা কী, সেটা বিজেপি একটা উচ্ছৃঙ্খল দল, সাম্প্রদায়িক দল, তারা মনে করছে আমরা ভোটে জিতে গেছি আবার কি, ওরা বুঝে না, সব সেই অবজের মতো ছুটে এসে তারা লাঠি সোটা আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ছুটে আসছে, মাস ছালাকে মেরে দেয়, জীবনে মেরে দেয়, তৃণমূলকে শেষ করে দেয়, এইসব তাদের আওয়াজ তুলছিল। যাই, আমি সেখান থেকে ছুটে আসি এবং হাঁটু পায়ে আমার রক্তাক্ত অবস্থায় জখম হয়ে আমি। ভোট পরবর্তী হিংসার যে খবরটি মেজিয়া তারাপুর থেকে আসছে তা খুব দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের কাছেও খবর এসেছে। এবং তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপর বিভিন্নভাবে শুরু করেছে মারধর, সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। তৃণমূল কংগ্রেসের হার অবশ্যম্ভাবী নিশ্চিত, তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেস যে রাস্তায় হাঁটছে এটা আগামী দিনে আমাদের শান্ত বাঁকুড়াকে অশান্ত করে তুলবে আবার। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছেও আমাদের আবেদন যে ভোট পরবর্তী যে কাজ আপনারা করছেন সেখান থেকে সংযত থাকুন, না হলে আগামী দিনে এখানে বাতাবরণ অন্যরকম হবে।
मैंने आपको बताया था कि नंदीग्राम में महासंग्राम चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। आखिर जीत किसको मिलेगी, इसके लिए हमें 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लिहाजा यहां दोनों दलों की तरफ से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। ममता बनर्जी भी यहां मौजूद थी। ममता बनर्जी ने भी कई रोड शोज किए। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने रोड शो के बाद जनसभा के दौरान क्या कहा यहां के लोगों को। নিজেদের দীক্ষিত করেছেন, আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমার প্রতীক চিহ্নে, জোড়া ফুল চিহ্নে, মেশিনে 2 নম্বরে নাম আছে। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানও ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের বলি, এরা মানুষের ভোট বিশ্বাস করে না, এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না। এরা 900 টাকা, 950 টাকা গ্যাসের দাম করে, গ্যাসের দামে বাজার আগুন, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে, ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল, রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, জিনিসের দাম হু করে বেরোচ্ছে, বাড়ছে। আর কৃষকরা আন্দোলন করছে, কৃষকদের জমি জমা সব লুট করে নিচ্ছে। তাই মনে রাখবেন, নন্দীগ্রামের মানুষ, আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনেদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সালাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করেই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে, আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमें अपने सुझाव भी देते रहिए। आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपके विचार भी हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। और आप हमें ये बताएं कि इस बार चुनाव में आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं और किसे आप सत्ता में बिठाना चाहते हैं। अपनी बातें हमें जरूर बताएं, हम इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का, आपके सुझावों का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।